कि केजरीवाल जो दिल्ली का बेटा बनता था, सब कुछ कहता था, ये कुछ नहीं बोला, आराम से बैठा हुआ ट्यूट ट्यूट खेलता रहा, कहा पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। पुलिस आपके हाथ में नहीं थी, लेकिन 62 MLA तो आपके हाथ में थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, तो इनको किस इल्ज़ाम में उठाया गया? इनको उठाया गया कि ये दिल्ली दंगों में मास्टरमाइंड थे। यानी मुसलमान कितने बावले हैं, आपने पागल समझ रखा है कि मुसलमान मरा, मुसलमान जला, मुसलमान लूटा, मुसलमान पिटा, मुसलमान, और फिर मास्टरमाइंड कर करके आप मुसलमानों को ही उठा रहे हैं। तो RSS का इनका IT सेल है, जिनके जितने इनकी ब्रांचेस चलती है, जहाँ पर ये भगवा आतंकवादी तैयार करते हैं, 5-5 साल के बच्चे को ये बंदूक चलाना सिखा रहे हैं, तलवारें चलाना सिखा रहे हैं। इवन ओखला में 2-3 पार्कों में इनके डंडेबाजियाँ चलती हैं सुबह ही सुबह। जिस तरह फरवरी के महीने में 23 से लेकर के 27 फरवरी तक लगातार दंगे हुए दिल्ली में, और दिल्ली पुलिस इससे जो है नज़रअंदाज करती रही, अब दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने इसमें अपनी फैक्ट फंडिंग की जो है रिपोर्ट जारी की है। एक तो, और इसमें किस नज़रिए से देख रही हैं आप इसको, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। अगर भाई आप देखिए, दिल्ली दंगे जो थे ये तो कोई अंधा भी बता दे, प्री प्लान थे। मतलब किसी भी मुल्क की राजधानी में लगातार 4 दिन तक मारकाट होना अपने अंदर मायने रखते, कोई जंगल राज थोड़ी था, कोई गांव में थोड़ी हो रहा था। और उसी राजधानी में जहां पर मतलब ये पूरी की पूरी वैसी टेंशन चल रही हो, पूरा NRC का चल रहा हो, तो उस वक्त 4 दिन तक ना तो यहां पर CM बोला। इवन अगर आप वो वीडियो निकाल कर देखें तो उसमें पुलिस वाले खुद डायरेक्ट मुसलमानों के घर जलाते हुए नज़र आ रहे हैं, डायरेक्ट उनके सीनों पर गोलियाँ मारते हुए नज़र आ रहे हैं, और जहाँ उनकी बंदूक में गोलियाँ ख़त्म हो गई तो वहाँ वो कह रहे हैं पत्थर है पत्थर उठाओ करते हुए नज़र आ रहे हैं, गोलियां मारते। और फिर ये फर्जी आर्मी थी या ओरिजिनल आर्मी थी? आर्मी भी हज़ारों की तादाद में उतरी हुई थी जो मुसलमानों के घर लूट रही थी। और अब ये जो आप कह रहे हैं कमीशन की रिपोर्ट है, ये बिल्कुल सही है, ये तो बच्चा दिल्ली का जानता है कि प्रीप्लान दंगे थे। और आप ये देखिए कि ये जो रिपोर्ट दे रहे हैं, ये जो जितने भी हमारा मीडिया दिखा रहा है या फिर ये दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है, कह रहे कि मात्र 52-53 लोग मरे थे। अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर वो वीडियो आज भी देखते हैं तो भाई वो लाशें जो हमें नज़र आ रही हैं, कहीं 5 पड़ी हैं, कहीं 10 पड़ी हैं, उनको भी गिनेंगे तो आंकड़ा कई सौ से ऊपर जाता है, लेकिन ये 50-55 करे जा रहे हैं। और अगर आपको मालूम हो तो 5,000 मुसलमानों के मकान जलाए गए थे, उनकी प्रॉपर्टी लूटी गई थी, गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। उस वक्त बहुत सारी लड़कियां स्कूल गई हुई थी, उन लड़कियों का आज तक नहीं पता वो लड़कियाँ कहाँ हैं। तो मतलब ये तो पूरा प्री प्लान था। ये केजरीवाल जो दिल्ली का बेटा बनता था, सब कुछ कहता था, ये कुछ नहीं बोला, आराम से बैठा हुआ ट्यूट ट्यूट खेलता रहा, कहा पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। पुलिस आपके हाथ में नहीं थी, लेकिन 62 MLA तो आपके हाथ में थे, आप उन्हें लेके उतर जाते, जितने भी थे 72 थे, जितने 62 जितने थे, सिर्फ 8 कम थे, तो आप उनको लेके सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? SDM DM सब आपके हाथ में थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करा। बहुत आराम से आराम से घर में बैठे रहे और इंतज़ार करते रहे कि कितने आंकड़े बढ़ते हैं। और फिर यही नहीं, आप यहाँ पर देखिए कितनी इन्होंने पॉलिटिक्स करी कि अस्पतालों में मुसलमानों को जाने नहीं दिया, एम्बुलेंस से उतार उतार के पुलिस वालों ने मारा, और इनको अस्पताल में जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे उनको सर्कुलेशन दे दिया गया कि अगर कोई भी मुसलमान आता है उसका ट्रीटमेंट मत करना, वो बेचारे वैसे ही पड़े पड़े मर गए। तो ये तो सारा का सारा हर तरफ से लग रहा है कि प्री प्लान था। मतलब ये नहीं, ये तो अभी से नहीं, ये जिस दिन से स्टार्ट हुआ था 23 फरवरी से और 29 फरवरी तक 27 फरवरी तक चला तभी से। और फिर आप देखिए खुरैजी प्रोटेस्ट चल रहा था, खुरैजी प्रोटेस्ट में इशरत जहां को उठाया गया, विक्रम ठाकुर को उठाया गया, खालिद सैफी भाई को उठाया गया, ये कौन थे सारे के सारे? ये सोशल एक्टिविस्ट थे। तो इनको किस इल्ज़ाम में उठाया गया? इनको उठाया गया कि ये दिल्ली दंगों में मास्टरमाइंड थे। यानी मुसलमान कितने बावले हैं, आपने पागल समझ रखा है कि मुसलमान मरा, मुसलमान जला, मुसलमान लूटा, मुसलमान पिटा, मुसलमान, और फिर मास्टरमाइंड कर करके आप मुसलमानों को ही उठा रहे हैं। अभी भी मेरे पास बहुत सारे डेटे ऐसे हैं भाई के, जितने भी दंगे हुए थे जमुना पार में, आज भी हज़ारों की तादाद में, एक दो नहीं हज़ारों की तादाद में मुसलमानों की धक्का पकड़ चल रही है, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। अब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से अब ये माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से जो है रिपोर्ट जारी की गई है, इसका क्या असर सरकार पे पड़ेगा या क्या इस पे कार्रवाई होगी, लग रहा है आपको? ये तो ठोक तंत्र चल रहा है, कार्रवाई तो वहाँ होती है जहाँ डेमोक्रेसी होती है, ये तो हिटलर शाही चल रही है, ये तो साफ का साफ। अगर आप इसराइल को उठाकर देखें और BJP सरकार को उठाकर देखें, बिल्कुल दोनों एक हैं। जैसे इसराइल ने फिलिस्तीन में घुसपैठ कर रखी है, ऐसे ही BJP ने RSS ने भारत में घुसपैठ कर रखी है। जैसे वो मुसलमानों को चुन चुन के मार रहे हैं, ऐसे ही मुसलमानों को चुन चुन के मार रहे हैं। तो सिर्फ मुल्क बदला है,
टोटल उसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, तो मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए। और माइनॉरिटी क्या कोई भी कुछ कह दे, पूरी दुनिया शेम कर रही है, बीबीसी लंदन दिखा रहा है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है, इवन के फेसबुक का मालिक, यूट्यूब का मालिक भी कह रहा है कि ये पूरा प्री प्लान था, कपिल मिश्रा इसमें शामिल था, रागिनी तिवारी इसमें शामिल थी, इन्हें पकड़ा गया, इन्होंने नहीं पकड़ा। तो हमें तो उम्मीद है नहीं कि कोई इंसाफ मिलेगा, कोई मुआवजा ऊपर वाला ही कर दे वो बात अलग है, लेकिन भारत के जो इस वक्त की हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, हमें यहाँ से किसी भी तरह के इंसाफ की उम्मीद नहीं है भाई। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की, दाखिल की है दिल्ली हाई कोर्ट में, जो हलफनामा दिया है, उसमें जो प्रवेश वर्मा या अनुराग ठाकुर, इन्होंने जो बयान दिए थे, इनको दंगे की वजह नहीं बताया गया। और जिस दिन कपिल मिश्रा ने अल्टीमेटम जो है प्रोटेस्ट हटाने का दिया था, इन सारे वजहों से जो है इनको बचा के रखा गया है। तो क्या इसमें ऐसे में दिल्ली पुलिस की जो ये हलफनामा जो है एक याचिका का जवाब देते हुए दाखिल की गई है, तो ये क्या लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं अब पुलिस भी जो है पीछे हटती चली जा रही है? भाई ये तो पूरा का पूरा गोलमाल है, सब गोलमाल है, बहुत सारे राज हैं जिसकी पर्दादारी है। आपको मैं बताऊं, शाहीन बाग तो कई महीने से चल रहा था, तो शाहीन बाग को तो ये टारगेट कर नहीं सकते थे। तो उस वक्त जाफराबाद का प्रोटेस्ट चल रहा था, जो एक बहुत अच्छी जगह पर था, साइड में चल रहा था। तो ये जो कपिल मिश्रा है, जाफराबाद प्रोटेस्ट में एक लड़की थी नाज, मुसलमान थी लेकिन बहुत गरीब खानदान से थी, वो कपिल मिश्रा की रखेल थी। कपिल मिश्रा ने 30 लाख रुपए उसको दिया, ये मैं नहीं कह रही, पूरा जाफराबाद कह रहा, पूरा जमुना पार कह रहा है, 30 लाख रुपए उस नास को दिया गया। और उससे कहा गया किसी भी तरह इस भीड़ को तू लेकर मेट्रो के नीचे आ जा, जाफराबाद के नीचे। नास जो थी वो किसी तरह लेकर उन भीड़ को जाफराबाद मेट्रो के नीचे लेकर आई, और उसी दिन 23 तारीख में वो लेकर आई, और 23 तारीख में ही रात में दंगा हो गया। तो ये पूरा का पूरा इन्होंने पूरा स्क्रिप्ट बनाया, पूरा मैदान लगाया। और क्योंकि शाहीन बाग को टारगेट कैसे करते, शाहीन बाग तो बहुत दिन से बैठा हुआ था, यहाँ छोटे मोटे हमले कर रहे थे लेकिन कुछ नहीं रहा था, इन्हें मुसलमानों को काटना था। तो वो उन्होंने प्लान करा था, जो नास को पैसे देके करा था। तो वो जैसे ही जाफराबाद की औरतें वहां पर आकर बैठती हैं, उसके बाद से दिल्ली दंगे होने शुरू हो जाते हैं। वो आप अगर रागिनी तिवारी को देखें, वो कह रही मैं जाफराबाद गई थी, उसमें गोबरी है, वो जाफराबाद गई थी, वो बाबरपुर पे खड़ी हुई थी डीजे लेकर, तलवारें लेके, त्रिशूल लेके, के मुल्लाओं को काटो, भिमटों को मारो, मुसलमानों को मारो, आपने भी देखा होगा। लेकिन वो झूठ बोल रही है मैं जाफराबाद पर गई थी। कपिल मिश्रा कह रहा था हम मारेंगे हम काटेंगे, तो इन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई, ये तो खुद ही दायां हाथ हैं। आरएसएस की आप स्ट्रेटजी देखें क्या है इनके, जो आरएसएस का इनका आईटी सेल है, जितने इनकी ब्रांचेस चलती है जहां पर ये भगवा आतंकवादी तैयार करते हैं, 5-5 साल के बच्चे को ये बंदूक चलाना सिखा रहे हैं, तलवारें चलाना सिखा रहे हैं। इवन ओखला में दो तीन पार्कों में इनके डंडेबाजियां चलती हैं सुबह ही सुबह। अच्छा, ये इसमें एक चीज़ और जो है हलफनामे में जो है, वो जो पेश किया गया है कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें कहा गया है कि जो हिंदू समाज के लड़कों को उठाया जा रहा है, तो उससे हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो आक्रोशित हो रहे हैं, उनमें गुस्सा पैदा हो रहा है। जबकि लॉकडाउन के दौरान हमने सबने देखा क्राइम ब्रांच लगातार जो है जाफराबाद हो, चाहे शिव विहार हो, मुस्तफ़ाबाद हो, इन इलाकों से जो है लगातार जो है गिरफ्तारियाँ करती रही है। ये तो सारा आपका मुद्दा भटकाने के लिए करा गया, जितने दो चार नौजवानों को उठाया उनको निकाल भी देंगे। ये तो सिर्फ ये कि समाज में टेरर मचता रहे, वो समाज भी हमारे पे उठाता रहे। आप खुद देखिए, जब ये दिल्ली दंगे हुए थे तो ये टकलू शाह ने खुद पार्लियामेंट में आके बोला था कि ये पेडिट गुंडे थे जो यूपी से आए थे। आपने खुद सुना होगा, सबने सुना था। तो जब वो पेडिट गुंडे यूपी से आए थे, तो यूपी में किसकी सरकार है, किसका ठोकतंत्र राज है, आतंकवादी योगी का है। तो जब वो यूपी से आए थे तो किसी पर कार्रवाई हुई? फिर जब वो यूपी से आए थे तो फिर दिल्ली के मुसलमानों को उठा के आप जेलों में क्यों डाल रहे हैं मास्टरमाइंड बताकर? ये सारे ड्रामे हैं, चाहे कमीशन, मुस्लिम कमीशन बोल ले, चाहे कोई भी बोल ले, ये चिकने खड़े हैं। हमारी कोई सुनवाई कहीं होगी ही नहीं, ये तो ठोकतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र है ही नहीं, हिटलर शाही चल रही है भाई। ये कत्ल करा गया पुलिस वाले, 250-300 पुलिस वाले अगर एक लड़के को मारे तो कत्ल कर रहे हैं, और बाकायदा मीडिया को लेकर आ रहे हैं। ये गुनाह जो जिला है उसका सबसे बड़ा गुनाह था, यानी तो वर्दी वाले गुंडे हो गए, किसी को भी आते हैं मार देते हैं, मॉब लिंचिंग कर देते चले जाते हैं। वो किसान था, किसान रीढ़ की हड्डी होता है, उसका गुनाह क्या था? उसका गुनाह ये तो था 2-3 लाख रुपए लेके उसने कर्जा लेके बटाई पे फसल तैयार करी थी, अगर 3-4 महीने आप रुक जाते तो क्या मौत आ रही थी? तो ये गुंडा राज चल रहा है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? इनकी। यूपी में किसकी सरकार? इनकी। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर दलितों पे, मुसलमानों पे जुल्म करा जा रहा है। तो किस तरफ लेकर जा रहे हैं, आखिर इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा सीधी सीधी वही है कि ये लोकतंत्र खत्म करेंगे, ठोकतंत्र लेकर आएंगे, ये डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे, भीमराव अंबेडकर के संविधान को कुचलेंगे। अगर आप खुद देखें, वो रागिनी तिवारी खुद कहती है कि हम नहीं मानते भीमटो को, हम नहीं मानते अंबेडकर को, हम तो गॉड से वाले हैं, हम तो सावरकर वाले हैं। गॉड से कौन था? भारत का पहला टेररिस्ट था। तो यानी तो टेररिस्ट को मानते हैं, तो ये टेरर ही बांटेंगे। तो ये पूरा का पूरा संविधान को ख़त्म करने की तैयारी है, ताकि 2024 के बाद कोई हुकूमत आए ना, यही रहें।
ये भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। दंगों की जो रिपोर्ट माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से जो है फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो पेश की गई है, वो इन्होंने पहले से ही उसका आंकलन किया हुआ था, क्योंकि ये सुनियोजित तरीके से मुसलमानों को जो है निशाना बना करके वहाँ पर मारा गया, उनके घरों को लूटा गया, उनकी दुकानों को जलाया गया। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस ने भी जो है अपनी रिपोर्ट जो दिल्ली हाई कोर्ट में पेश की है, उसमें भी जो है सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बनाया गया है। और जो बीजेपी के नेता हैं बड़े, कपिल मिश्रा हो या अनुराग ठाकुर हो या प्रवेश वर्मा हो, इनको आज़ाद और रखा गया है और इनके खिलाफ़ जो है कोई कार्रवाई नहीं करने की जो है इसमें बात कही गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें दिल्ली हाई कोर्ट या जो कानूनी कार्रवाई है वो किस तरफ जाती है। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद निज़ामी।